Hi friends, welcome to my channel. We started with the chapter Logic Gates from CS to 11th standard, and we completed two topics from this chapter, and the next topic is derived gate. Okay, so derived gate are NOR and NAND, and we have to learn next two gate, that those are XOR and XNOR. So let's start. First, we have to learn what is NOR gate. Okay, before going to NOR gate, you should know OR and NOT gate. Okay, so जो हमने last lecture में पहले पढ़ा है, that is OR gate and NOT gate, you should know these two gates first. OR gate का logic था, if A is true or B is true, then Y is true. दोनों में से अगर एक भी true है, तो Y का value क्या हो जाएगा? True. And not was कि अगर A का value true है, so Y का value false हो जाएगा. Okay, opposite. So NOR कैसे बनाया गया है? NOR gate बनाने के लिए we used OR and NOT gate. Okay, that's why it is called as NOR. It is known as universal gate. Why it is known as universal gate? Because ये जो AND OR NOT NAND ओके कोई भी गेट है, वी कैन गेट एनी गेट, मींस अगर हमें कोई भी गेट बनाना हुआ, सो वी कैन मेक नंबर ऑफ गेट्स बाय यूजिंग नॉर गेट, एज इट इज यूनिवर्सल गेट. मींस एक इस नॉर गेट से हमें सारे गेट मिल जाएंगे, इसका मीनिंग है कि इट इज यूनिवर्सल गेट. ओके, सो लॉजिक इज इफ ए इज ट्रू OR B is true, then Y is false. If you will see the logic between two, that is OR and NOR. OR ka logic tha, A is true or B is true, then Y is true. But here, it is NOR, means opposite of OR. Okay, OR mein humne NOT gate attach kiya hai, toh wo opposite work karega. Agar humne 0 pass kiya hai, toh 1 ho jayega. Like this. So, OR ka jo bhi statement tha, jo bhi logic tha, वो भी अपोजिट हो जाएगा. तो और के लॉजिक में था, अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है तो वाई विल बी ट्रू. जस्ट वी हैव टू अपोजिट इट. अपोजिट में हमें लिखना है, दैट इज ए इज ट्रू और बी इज ट्रू. अगर दोनों में से भी कोई भी ट्रू है तो वाई का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा. जस्ट अपोजिट ऑफ और इट. ओके, इट मीन्स दैट इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स एंड आइदर ए शुड बी हाई और बी शुड बी हाई देन और बोथ, देन आउटपुट इज लो. ओके, अगर आपको इसमें और गेट का लॉजिक आता है तो बस आपको हर चीज़ एक अपोजिट वे में लिखनी है. और गेट में फाइनल आउटपुट इस कंडीशन में ट्रू आ रहा था तो बस आपको यहाँ पे फॉल्स करना है, यहाँ पे हाई हो रहा था तो यहाँ पे आपको लो करना है. Now the truth table, according to the logic statement, अगर कोई भी value 1 है A और B में से, या तो दोनों 1 है, then your output will be false. तो आप देख सकते हो ये तीन जगह पे output क्या है, false है, क्योंकि एक जगह B का value 1 है, एक जगह A का और एक जगह दोनों का. Okay, so if A is true or B is true or both, then Y is false. Okay, so this is the truth table based on logic. So no need to by heart the truth table, just learn the logic and understand that statement, and this you can write it by your own, by the formula 2 raised to n, and writing these numbers are, or the inputs are very much simple. 2 times 0 2 times 1 0 1 0 1. Okay, so agar ek bhi value 1 hai तो आपका आउटपुट क्या है, फॉल्स. फॉल्स मीन्स जीरो. सो एट 3 प्लेसेस यू विल गेट 0 एंड 0 0 पे 1. मीन्स वॉट एवर यू आर गेटिंग हियर, ये आपको जो भी मिल रहा है, दिस इज अपोजिट ऑफ और गेट. और गेट में आपको क्या मिल रहा था, अगर हमने और गेट का यहाँ पे लॉजिक लिखा, सो इन और गेट यू आर गेटिंग लाइक दिस, बट इन नॉर गेट यू आर गेटिंग अपोजिट ऑफ और. तो अगर आपको और याद है तो आप नॉर इजीली लिख सकते हो, बस आपको 1 की जगह पे 0 करना है, 0 की जगह पे 1. ओके, सो दिस इज द ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक ऑफ नॉर गेट.
see the structure or the symbol. See, हमारा जो हमने पहले और का सिंबल पढ़ा था वो क्या था, इट वॉज लाइक दिस. ओके, ये हमारा और गेट था. एंड व्हाट वॉज द सिंबल फॉर नॉट गेट जो हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, वो ये था. ओके, वेयर आई टोल्ड यू दिस बबल रिप्रेजेंट्स नॉट गेट. ओके, सो इस बबल को हमने इस स्ट्रक्चर में और में यूज किया है यहाँ पे, एंड इट फॉर्म्स नॉर गेट. ओके, सो ए इज अ इनपुट, बी इज ऑल्सो अ इनपुट, एंड वाई इज आउटपुट, एंड हियर और गेट विद दिस बबल मेक्स नॉर गेट. सो वॉट इज द चेंज इन बुलियन इक्वेशन? वी ऑलरेडी नो दैट इज बुलियन इक्वेशन फॉर और गेट इज ए प्लस बी. ओके, बट अब इसमें क्या है, हमने नॉट गेट ऐड किया है. तो नॉट गेट का कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी वर यूजिंग बार. सो जस्ट यू हैव टू पुट बार, दिस विल रिप्रेजेंट नॉट गेट. सो दिस इज और गेट, दिस इज नॉट गेट, ये दोनों मिला के क्या बन गया, नॉर गेट. ओके, सो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है, दिस विल बी कंप्लीट बार. ऐसा नहीं कि आप स्पेशली ए के ऊपर बार लिख रहे हो, बी के ऊपर, नहीं, आपको कंप्लीट बार लगाना है. क्योंकि ये जो नॉट है, ये वाला जो सर्कल है, बबल है, ये आप देख सकते हो, ये कंप्लीटली और गेट खत्म होने के बाद है. ओके, जब कभी भी ये ऐसा सिंबल है, जब गेट आपका बना के ख़त्म हो गया है, सो इट विल बी कंप्लीट बार ऑन दैट गेट. तो वो गेट क्या है, पूरा ए प्लस बी, उसके ऊपर ये कंप्लीट बार रहेगा. ओके, सो हियर प्लस विथ बार इंडिकेट्स नॉर गेट. प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, और गेट, एंड दिस बार इंडिकेट्स नॉट गेट. ओके, सो दिस इज योर नॉर गेट, एंड इट्स रियली इजी इफ यू आर नोइंग और एंड नॉट गेट. सो नॉर ए सिंपली यू कैन क्रिएट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नैंड गेट. अकॉर्डिंग टू द नेम, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट गेट. ओके, इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट. सो इफ यू विल कम टू नो नैंड एंड नॉर, बोथ आर यूनिवर्सल गेट, बाय यूजिंग नैंड एंड नॉर यू कैन गेट बैक योर ऑल द गेट्स. वॉट एवर गेट यू वॉन्ट टू क्रिएट, यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट. ओके, बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल गेट्स. Next is logic. Now, if you are knowing the logic of AND gate, you can easily write the logic of NAND gate. So, let's learn the logic of AND gate first. AND gate ka logic tha, if A is true, if A is true and B is true, and then Y is true. Matlab, अगर ए का वैल्यू ट्रू है एंड एंड स्पेशली यहाँ पे यूज करना है हमें, बिकॉज इट इज नैंड गेट और एंड गेट, दोनों जगह पे एंड होगा. सो अगर ए का वैल्यू भी ट्रू है और बी का भी ट्रू है, तभी हमारे वाई का वैल्यू, दैट इज आवर फाइनल आउटपुट वैल्यू, विल बी ट्रू. जस्ट यू हैव टू रिवर्स इट बाई यूजिंग दिस नॉट गेट. इफ ए इज ट्रू और बी इज ट्रू, देन वाई इज फॉल्स. Sorry, it is AND. If A is true and B is true, then Y is false. मतलब जहां पर A का value 1 है and means साथ में हमें B का भी 1 चाहिए, दोनों का value 1 चाहिए, and B का भी value 1 है, उस जगह पे हमारे Y का value false होगा, that is 0. Okay? So if I'll write the truth table, see, this is NAND and I'll write the logic, according to the logic I'll write the truth table of AND. So AND ke logic mein Y ka value kya mil raha tha, 1 with 000. Okay, AND mein kya tha, if A is true and B is true, Y will be true. But in NAND, just opposite, if A is true and B is true, Y is false. Okay, so you can see 0 ka 1 ho gaya hai and 1 का 0 हो गया. ओके,
So this is the way to do NAND gate. And if you are knowing AND and NOT gate, you can simply create this NAND and NOR gate. Okay. It means that if A and B are the inputs, okay, and A should be high and B should be high, then output is low. अगर दोनों हाई है तभी जाके आपका आउटपुट लो होगा. बस यही ये स्टेटमेंट सिंप्लीफाइड करके, मतलब स्टेटमेंट का मीनिंग यहाँ पे सिंप्लीफाइड करके लिखा हुआ है. ओके, सो फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द नैंड गेट यू शुड लर्न एंड एंड नॉट फर्स्ट. ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट. सो यहाँ पे आपको दोनों के फीचर्स मिलेंगे. ओके, सो लेट्स सी द सिंबल. See here, the symbol for NAND gate, AND gate was like this D-like structure, but in symbol of NAND gate you can see it is having one bubble which represents NOT gate. Okay, so just you have to add this NOT here. This will make this AND gate as NAND gate. Okay, and what was the equation? Y is equal to A dot B. Okay, so you can see here, now I got equation like Y is equal to A dot B bar. Now as you are getting this NOT at the end of the symbol, जैसे ही आपने ये D like structure draw कर लिया है उसके बाद में circle है. Okay, it is not before that. आपको कहीं वो circle यहाँ या यहाँ नहीं मिल के आपको end में मिल रहा है. जब भी आपको ऐसा not gate end में मिले, so it is complete bar. Okay, ये जो है ये complete not AND gate ख़त्म होने के बाद है, इसलिए ये end में है तो complete bar ही आएगा. Okay, so this is your AND gate and A dot Y is equal to A dot B bar. This is your NAND gate. Okay, simply when you will add one NOT gate in AND gate. Clear? So here dot and bar indicates NAND gate, where bar indicates your NOT gate and this dot indicates AND gate. Okay? So these gates are really simple, but don't learn so that it makes very complicated. Okay, don't learn in this way. So please learn it properly first. Clear your concept of logic gates, then basic logic gates. Basic confirm hone ke baad hi move to NAND and NOR. Okay students, because this will make difficult difficulties bahut sari create ho jayengi in future topics. So better to clear all your doubts regarding basic gate and derived gate first. Now XOR gate. The exclusive OR is referred as any but not all gate. अब ये क्यों है हम लोग देखेंगे. जैसे OR के लिए नाम था, same way इसके लिए भी है. X का full form है exclusive. Okay, so it is exclusive OR gate. It is referred as any but not all gate, and iska second name, in short, we can denote it as XOR. Okay, when A is true or B is true but not both, then Y is true. Okay, वॉट इज़ द मीनिंग. या तो ए का वैल्यू ट्रू होना चाहिए विच इज़ हीयर, या तो बी का वैल्यू ट्रू होना चाहिए जो यहाँ पे है, बट नॉट बोथ, दोनों साथ में ट्रू ना हो, तभी जाके आपके वाई का वैल्यू ट्रू होगा. ओके, इनडायरेक्टली यू कैन सी हीयर कि जब भी ऑड वैल्यूज हैं, जीरो वन है, वन जीरो है, तब आपका आउटपुट क्या है, वन वन है. व्हेन यू विल गेट द सेम इनपुट लाइक जीरो जीरो और वन वन, जब भी सेम इनपुट रहेगा फाइनल आउटपुट विल बी जीरो. दिस इज एक्स और गेट. ओके, कि जब भी कोई भी एक वैल्यू वन है, ओनली वन. ओके,
इसलिए उसका फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा. नाउ सी द नेम, एनी बट नॉट ऑल गेट. एनी मीन्स कोई भी एक वैल्यू 1 होना चाहिए, बट नॉट ऑल. अगर सारे 1 हो गए, ट्रू हो गए, मीन्स यू विल गेट 0. इसलिए इसका नाम है एनी. मीन्स कोई तो 1 होना चाहिए इनपुट, बट नॉट ऑल. एनी बट नॉट ऑल गेट. ओके, सी द स्ट्रक्चर. A and B are the input and Y is the output. Where Y is equal to A plus in within the circle with B. Okay, this is the symbol for XOR gate plus in circle. Okay, so Y is equal to A XOR B. We read it like this, Y is equal to A XOR B. And symbol, if you will see, this is the OR. और का सिंबल है, फिर एक ऐसे कर्व है. सो दिस क्रिएट्स एक्सोर. ओके, इफ यू विल राइट द इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन फॉर दिस एक्सोर गेट. ओके, अगर मैंने ये वाई ए प्लस विद सर्कल बी को एक्सपांड किया तो मुझे क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी. गेटिंग, तो जब मैंने ये इक्वेशन को एक्सपांड किया तो एक बार मुझे बी के ऊपर बार मिलेगा, एक बार ए पे. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार. कैसे भी आप लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है. एक बार ए पे बार आएगा, एक बार बी पे बार आएगा. ओके, यहाँ पे डॉट क्या है, एंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस जो है वो और गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड बार इंडिकेट्स नॉट गेट. गेटिंग, सो हियर प्लस विथ सर्कल इंडिकेट्स योर एक्सोर गेट. ओके, नाउ व्हाट इज द सिंबल फॉर एक्सोर फॉर 3 इनपुट. जस्ट यू हैव टू पास वन मोर इनपुट. वी कैन सी हियर कि यहाँ पे एक और इनपुट मैंने दिया है, लाइक ए एंड बी, इट इज सी. सो जस्ट यू हैव टू राइट दिस सिंबल विद इन दिस इनपुट. सो ए एक्सोर बी एंड बी एक्सोर सी. आपने बस ये तीनों साथ में लिख दिया. दिस इज एक्सोर गेट फॉर 3 इनपुट. नाउ द कंडीशंस. एक्सोर में आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एक्सोर गेट विद कंडीशंस. मतलब हमें प्रूव करना है कि जितना भी ये ट्रुथ टेबल में कंडीशंस दिया हुआ है, लाइक 00 इज 0, 01 इज 1, 10 इज 1, 11 इज 0. मीन्स जब भी दोनों आउटपुट हाई हैं या तो लो हैं, जब भी दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट आपका 0 है. जब भी एक भी इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट इज 1. ओके, सो यू हैव टू प्रूव विद द कंडीशन, मीन्स विद दिस इक्वेशन, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी. सो लेट्स स्टार्ट. सो माई फर्स्ट इनपुट वैल्यू इज A is equal to 0 and B is equal to 0. In truth table, हमारा value है 0 0 0 1 1 0 1 1. तो 0 0 का 0 था, 1 1 का भी 0 था, and these two are 1. So let's prove with the first one. अब मैं ये equation में मुझे A और B का value put करना है, like you are doing in maths. So A की जगह पे 0, B की जगह पे भी 0. बट बी के ऊपर क्या है, बार है. सो आई विल पुट दिस बार हियर. नाउ जीरो बार अपोजिट ऑफ जीरो, जीरो बार मीन जीरो पे हमने नॉट अप्लाई किया है तो जीरो का 1 हो जाएगा. सो यू कैन सी हियर, जीरो का 1 हो गया जहाँ पे भी जीरो बार था. सो इट इज 1. 0.1 मीन्स इट इज एंड गेट. और एंड गेट का लॉजिक क्या है, 0 0. प्लीज गो टू द लॉजिक फर्स्ट व्हेन यू आर, बिकॉज सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन you have to do number of times in this chapter, so you have to learn your gates properly. Okay, so this is the logic of AND gate. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, but आप सभी को learn करना है. And this is XOR, जो हमें prove करना है. So 0.1, 0.1 हमें क्या मिल रहा है, 0, and 1.0 is also 0. You can see here. सो 0 प्लस 0 इन OR गेट प्लस है, मीन्स यू आर नॉट सपोज टू एड इट. ओके, यू हैव टू परफॉर्म द लॉजिक.
सो लॉजिक फॉर प्लस प्लस इंडिकेट्स और गेट. सो और गेट का लॉजिक क्या है, जब भी कोई भी इनपुट वन होगा, ए और ए इज ट्रू और बी इज ट्रू, देन वाई इज ट्रू. ओके, सो यहाँ पे तो दोनों भी फॉल्स हैं, सो यहाँ पे वाई क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है. जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड द लॉजिक एंड ट्रूथ टेबल ऑफ एवरी गेट टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे मुझे ए का वैल्यू जीरो और बी का वन लिखना है. सो वी प्रूव्ड दैट जीरो जीरो इज जीरो, ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया. नाउ द सेकेंड वन, आप देख सकते हो ए की जगह पे मैंने जीरो लिखा है एंड बी का वैल्यू इज वन, तो मैंने बी की जगह पे वन लिखा है. हियर आई एम गेटिंग वन बार एंड हियर जीरो बार. सो वन बार विल गिव मी जीरो एंड जीरो बार विल गिव मी वन. सो जीरो डॉट जीरो, डॉट है मीन्स एंड गेट. सो जीरो डॉट जीरो क्या मिल रहा है मुझे, जीरो. सो आई रोट हियर जीरो. वन डॉट वन, वी कैन सी हियर वन डॉट वन इज वन इन एंड गेट. सो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, बट बेटर टू कीप इन माइंड. ओके स्टूडेंट्स, जीरो प्लस वन इन और गेट क्या होता है, और गेट का लॉजिक है अगर एक भी वैल्यू वन है देन योर फाइनल आउटपुट इज वन. ओके, सो दिस इज द लॉजिक फॉर और गेट. सो यू कैन सी हियर, इसलिए मैंने कंबाइंड में यहाँ पे वन लिखा है, जीरो प्लस वन. सो जीरो प्लस वन विल गिव मी वन. सो इसलिए वाई का वैल्यू क्या मिला, वन. सो वी परफॉर्म सेकेंड कंडीशन एंड वी चेक, सो इट इज राइट. ओके, वेन वी आर हैविंग वैल्यू और इनपुट ए एज जीरो एंड बी एज वन, फाइनल आउटपुट विल बी वन. ओके, सेम वे नेक्स्ट वन. नाउ यू हैव टू लर्न हियर, आई वोंट राइट नाउ. नाउ वैल्यू ऑफ ए इज वन एंड बी इज जीरो. सो जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, वन डॉट जीरो बार, बिकॉज बी का वैल्यू जीरो, यहाँ पे वन बार. सो हियर आई गॉट वन डॉट वन, हियर जीरो डॉट जीरो. सो जीरो डॉट जीरो विल गिव मी जीरो अकॉर्डिंग टू एंड गेट, एंड वन डॉट वन इज वन अकॉर्डिंग टू एंड गेट. डॉट रिप्रेजेंट्स एंड गेट. नाउ वन प्लस जीरो, प्लस इंडिकेट्स और गेट. सो वन प्लस जीरो इज वन. सो मेरा थर्ड वाला कंडीशन भी प्रूव हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन वी आर हैविंग बोथ द वैल्यूज एज वन. ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यूज. नाउ यू कैन सी हियर वन बार इज जीरो एंड हियर आल्सो वन बार इज जीरो. बट इन एंड गेट अगर एक भी वैल्यू वन है, ओके, तो एंड गेट का लॉजिक क्या है कि हमें दोनों वैल्यू वन चाहिए, नॉट ओनली वन. ओके, तो इसमें जब दोनों भी वन होगा तभी हमारा फाइनल वैल्यू वन आएगा. सो यू कैन सी हियर, एक जीरो है एक वन है, यहाँ पे भी एक जीरो एक वन है. सो आई विल गेट जीरो हियर अकॉर्डिंग टू एंड गेट. इन और गेट दोनों भी जीरो है तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या रहेगा, जीरो. दैट्स वाई इन एक्सॉर गेट जब भी वन वन पास किया है तो हमारा वाई क्या है, जीरो. यू कैन सी हियर, सी जब भी वन वन पास किए तो वाई जीरो. सो वी प्रूव्ड ऑल दीज फोर कंडीशंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्स नॉर गेट. व्हाट इज एक्स नॉर गेट? दिस इज एक्सक्लूसिव नॉर, और इसका लॉजिक है व्हेन ए इज ट्रू और बी इज ट्रू बट नॉट बोथ, देन वाई इज फॉल्स. जस्ट अपोजिट ऑफ एक्स ऑर नाउ. ओके, नॉर मीन्स व्हाट, और प्लस नॉट. सो इट इज अपोजिट ऑफ एक्सॉर. वहाँ पे क्या था, इफ ए इज ट्रू और बी इज ट्रू बट नॉट बोथ देन वाई इज ट्रू. तो यहाँ पे क्या है, इफ ए इज ट्रू और बी इज ट्रू बट नॉट बोथ देन वाई इज फॉल्स. तो जब भी एक इनपुट वन होगा और हाई होगा तो मेरा आउटपुट क्या है, फॉल्स है. और जब भी दोनों सेम होगा दैट टाइम माई आउटपुट विल बी वन. कीप इन माइंड लाइक दिस कि आउटपुट इनपुट सेम है तो वन है और इनपुट अलग है तो जीरो है. फॉर एक्स नॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है बिटवीन एक्सॉर एंड एक्स नॉर इन सिम्बॉल ऑल्सो एंड ट्रूथ टेबल. बट अकॉर्डिंग टू द नॉर, कीप इन माइंड यू आर हैविंग वन डबल जीरो वन. यहाँ पे अगर इनपुट आपका सेम है तो आउटपुट वन होगा. बट इन एक्सॉर अगर इनपुट आपके सेम है तो आउटपुट जीरो होगा. सो दिस स्टेटमेंट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड मेक अ नोट ऑफ इट इन योर माइंड एंड इन योर नोटबुक ऑल्सो, सो दैट आप कभी भी पढ़ोगे तो आपको ये डिफ्रेंसिएशन समझ में आना चाहिए. ओके,
See the symbol. Symbol is very much similar. So what you have, what is extra here? This not. Okay, XOR का symbol है और ये not है. And in equation you can see bar is extra. Okay, because XOR का equation था A XOR with B. और यहाँ पे bar भी है which indicates not gate. That makes X NOR gate. Okay, so here plus in plus with circle and this bar indicates X NOR gate. So this also you have to keep in mind. Now, three input XOR gate. ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मैं अभी आपको ये बताती हूँ. अगर XOR gate है और हमारे पास three input है, in future because you will come to know in different kinds of structures. So you have to write it like this. Okay, A XOR with B, XOR with C, A, B, C. Okay, so what will be the input? I told you if inputs are more like 2 raised to 3, what will be the answer? 8. So here if you will count, 8 inputs are there. Okay, so that time simply you have to write the combination like 4 times 0, 4 times 1. Then in next column, in B, 2 times 0. 2 times 1, again 2 times 0, 2 times 1, then you have to make single single, means ये पहले 4 आएगा, 4 के बाद में आपको half half करते जाना है, 4 का 2, 2 का 1, okay, बस आपको half half करना है, 4 times 0, 4 times 1, then 0, double 0, double 1, then 0, 1, 0, 1, okay, so according to the 2 input XOR truth table, you have to find the value here. Okay, so 2 input XOR table kya tha, we'll see here. Aur ye value hume check karni hai. Okay, see, first of all XOR shows an interesting property of parity checking. Parity checking means what? You have to check the number of ones, it is odd or even. Okay, it can be used as parity checker. So 3 input XOR gate को कैसे use कर सकते हैं? Parity checker के रूप में हम लोग उसको use कर सकते हैं. The example will show that when the number of high inputs are even, the output is 0. Okay, means जब भी हमारे input में ये जो 110 लिख रहे हैं, ये जो 11 है, ये अगर even होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0. और इस ये अगर ऐसे ट्रिपल टाइम 1 होगा, ऑड होगा, और द सिंगल टाइम 1 होगा, सो दैट टाइम माय आउटपुट इज 1. ओके, दिस इज दिस फीचर इट शोज इन XOR गेट एंड इट इज नोन एज पैरिटी चेकर. पैरिटी मींस यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ 1 है कि ऑड है. तो अगर फाइनल आउटपुट हमने देख लिया, सो वी कैन टेल दैट इट इज इवन नंबर ऑफ 1 और ऑड नंबर ऑफ 1. अगर मैंने यहाँ पे देख लिया 1 है, सो मुझे इतना पता चल गया कि इनपुट में ऑड नंबर ऑफ 1 है, 0 मिला तो इवन नंबर ऑफ 1 है. ओके, दिस यू हैव टू चेक. लेट सी, सी हियर, दिस इज द इनपुट टेबल ऑफ 2, ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट्स एंड ट्रूथ टेबल ऑफ 3 इनपुट्स. सो लेट्स परफॉर्म. 0 XORed with 0 XORed with 0. Okay, 0 XORed with 0 is 0. Again, 0 XORed with 0, you will get 0. Now, here, अगर मैं इसको आपको simply ऐसे लिख के solve करके बताऊँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. Now, the second input. 0 XORed with 0. First, I'll solve this. तो क्या मिलेगा मुझे? According to the value, 0. Then, 0 XORed with 1. What I'll get? 0 XORed with 1. ये वाला. I'll get 1. So, आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 1 मिला है. Same way I will get here also. Now we'll see this 0 double 1. So 0 XORed with 1 XORed with 1. So 0 XORed with 1, what I'll get? 1. And 1 XORed with 1, you can see the last, will get 0. इसलिए मुझे यहाँ पे क्या मिला है? 0. Again, this is only one number of 1 we are having like this, so we'll get 1. Here we are having 2 number of 1s, so we'll get 0. Here also we are having 2 number of 1s, so we'll get 0. Now, we'll perform this triple 1.
सो जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड अ लॉजिक, जहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ वन होंगे वहाँ पे वैल्यू वन होगा, एंड जहाँ पे इवन नंबर ऑफ वन होंगे वहाँ पे वैल्यू जीरो होगा, बट वेयर इन थ्री इनपुट XOR गेट. ओके सो सी द लास्ट वन, वन XOR विथ वन इज जीरो, सो मुझे इसका आंसर जीरो मिला. जीरो XOR विथ वन आई विल गेट वन, इसलिए यहाँ पे क्या है, वन है. ओके सो दिस इज द वे टू डू. तो यहाँ पे ये जो चेंजेस आ रहे हैं, एक यहाँ पे आएगा आपको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जहाँ पे भी डबल वन है. ओके सो ये चेंजेस क्यों हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टू इनपुट XOR गेट टू सॉल्व दिस थ्री इनपुट. बट दिस मेक्स वन पैरिटी चेकर कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वन है इन माय इनपुट टेबल, इफ आई एम हैविंग ऑड नंबर ऑफ वन सो माय आउटपुट इज वन, एंड इफ आई एम हैविंग इवन नंबर ऑफ वन लाइक दिस वन वन, हियर ऑल्सो टू टाइम वन, हियर ऑल्सो टू टाइम वन, सो आई विल गेट जीरो. ओके सो दिस वी डिड हियर पैरिटी चेकर विथ XOR गेट, और द XOR गेट कैन बी यूज्ड एज पैरिटी चेकर. ओके सो प्लीज डू इट, एंड यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर दीज गेट्स, बिकॉज दिस विल क्रिएट लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन वाइल प्रैक्टिसिंग. सो टेक वन गेट, एंड बिफोर गोइंग टू एनी गेट फर्स्ट डू बेसिक गेट्स एंड और एंड नॉट गेट. ओके देन ओनली यू कैन डू NAND एंड NOR, देन ओनली XOR. So please learn the logic very well. Okay students, and in our next class we'll do De Morgan's theorem. So these theorems are really tough, but you can do after only you are knowing the concept of all seven gates. Okay, agar aapko seven